अपन बहुत कम बोलते, पर जब भी बोलते हम बम फोड़ते। हर महीने मनाते दिवाली, हम गानों के जरिए ही जीते और दम छोड़ते। नाके पे सबको हम भाई बोलते, तुझे भाई बोलते, मुझे भाई बोलते, मुझे लल्ला समझ रे लकाई को, बे जाके देख रे कौर में मैं गाय तोंडे। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का एक ट्रैवल व्लॉग है। हम जल्दी जल्दी बताता हूँ, हम आज निकल रहे हैं हिमाचल के लिए। हिमाचल में किस जगह जा रहे हैं वो आपको बाद में टाइम टू टाइम बता देंगे। जो प्लान था वो केदारनाथ का था। केदारनाथ का ड्यूटी हैवी रेनफॉल वो कैंसिल हो गया। 21st of May का भी वही प्रोग्राम था, बट ड्यूटी हैवी रेनफॉल वो भी कैंसिल हुआ। फिर 21st of June का सेम प्रोग्राम था केदारनाथ का, बट सेम रीज़न, ड्यू टू हैवी रेनफॉल वहाँ से लोगों को वापस भेज रहे हैं, एंट्रीज कम लेना नहीं चाहते तो नहीं जा रहे हैं। अब हम हिमाचल में जा रहे हैं। हिमाचल में किस जगह जा रहे हैं वो आगे के ब्लॉग में पता लग जाएगा। कैसे जा रहे हैं? वोल्वो से जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वोल्वो में कभी बैठा नहीं हूँ, तो मेरे को वो एक्सपीरियंस करना है। और कैसा एक्सपीरियंस है वो आपको बताऊँगा। जो जो नहीं बैठे हैं उनको पता लग जाएगा भाई कैसा होता है। तो अभी निकलते हैं। अभी टाइम हो गया है 6:30, तो अभी चलते हैं मेट्रो में, मेट्रो से कश्मीरी गेट। अभी ढाबे पे रुके हैं, शिवा ढाबा पे, और शायद ये एक ही स्टॉप है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे गाइस फर्स्ट टाइम वोल्वो में, नहीं तो हम तो आते थे उसमें HRTC ऑर्डिनरी में डंडल डंडल करते हुए, या तो और फिर 2020 में गाड़ी ले ली थी तो गाड़ी से आते थे। मतलब 2 साल के बाद हिमाचल में, हिमाचल के सफ़र कर रहा हूँ, कोई और गाड़ी चला रहा है, मज़ा आ रहा है। और जो राम दलाल की बसेस हैं, ये हमेशा ना हाईवे पे बस देखी थी, पहली बार इन पे भी चढ़ गए भाई, मज़ा आ रहा है। अभी रुके हैं हम अम्ब से पहले, और बारिश शुरू हो गई है बहुत ज़्यादा। अभी थोड़ी सी बारिश कम हुई है, देखो हल्का हल्का भीग भी गया हूँ। अभी देखते हैं आगे का सफ़र, एंजॉय करते हैं और पहुँचते हैं फिर बताते हैं। धर्मशाला से करी है हमें टैक्सी मैकलोडगंज के लिए। तो मैकलोडगंज में जाके करते हैं होटल में चेक इन वगैरह, उसके बाद बताते हैं कहाँ जाएंगे और कहाँ नहीं। देख लो गाइस हम कहाँ हैं अभी मैकलोडगंज में, ये हमारा होटल लोकेशन है। आ गए हैं अपने होटल रूम में और सबको रूम टूर देता हूँ यहाँ का। ये देखो, ये बस क्या वो सोच रहे थे दरवाजा खोलूंगा ऐसे निकलेगी दो भी ना, 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 ना। ये त्रिंड व्यू त्रिवंड व्यू
कैंप्स एंड होम स्टे है जिसमें मैंने ये वाला किया है, इसका प्राइस है 1053 रुपये 2 दिन के लिए 2 nights। और यहाँ से त्रिवेंद्र बिल्कुल साफ दिख रहा है भाई साहब, मतलब जंगल है, कति जंगल, यूं भी दिखाऊंगा अभी। ये मैंने खोली जिप, ये यहाँ से खोली, ये बाहर का नजारा ऐसा है, और वो रहा त्रिवेंद्र, दिख नहीं रहा भी होगा बहुत ज्यादा, आपको वॉशरूम और बाथरूम में बेडिंग एरिया उस साइड है, गर्ल्स रेस्टरूम उनका अलग है। एंड ये सामने कैफे है, इसमें खाने वाने का सब कुछ है। एंड वो सिटिंग एरिया है जैसे रात को बैठने बैठने के लिए, बॉनफायर करने के लिए। एंड यहाँ पे लोग खेल रहे हैं। एंड ये है यार कुछ नज़ारा ऐसा, मोटिव हमेशा यही होता है कि मैं कोई बोर ना करूं और ज़्यादा फालतू की चीज़ें ना दिखाऊं। मोटिव ये रहता है कि आपको अच्छी जगह चीप से चीप रेट में कैसे बता सकता हूं जिसमें आपको लग्जरी वाला फील भी आएगा। और कैंपिंग भी हो रही है इसमें, आपको त्रिवेंद्र का पूरा नज़ारा भी मिल रहा है, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच आपको सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर नहाने का। कैफ़े बगल में है खाने के लिए, और प्लेइंग एरिया भी है, आप अगर बैडमिंटन वगैरह लाते हैं, वॉलीबॉल लाते हैं, अपने बच्चों के साथ आते हैं खेल सकते हैं। बॉनफायर के लिए अलग स्पेस है अपना, सब कुछ कर सकते हैं वहाँ पर। और इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट व्लॉग में देखना। तब तक के लिए व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना है, थोड़ा सा समय निकाल के शेयर करना है, कुछ भी अच्छा लगे वो कमेंट करना है, और चैनल पे नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ रहे, बाय बाय।